वजह का जो है हम अमाउंट क्यों दे बैंक, ये अल्टीमेटली ऐसा हो रहा है कि बैंक जो है ये मिलके, ये फाइनेंस कंपनी जो भी, ये मिलके जो है हमें जो है बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, जितने बार वो हिट करेंगे उतना चार्ज हमें पे करेगा, तो हम ये पे क्यों करें? तो अल्टीमेटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा है। सर, काफ़ी दिनों से जो है मैं वीडियो करने का मैं सोच रहा था, बट वीडियो जो है मैं एकदम मतलब टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जो है यहाँ पर मैं बिज़ी रहता हूँ और एनी हाउ मैनेज करता हूँ टाइम निकालने का, क्योंकि वीडियो तो डिलीवर जो है वो करना ही है, क्योंकि एवरी वीक जो है वीडियोज़ हमारा आता है, तो कॉन्टेंट जो हमें देना होगा, तो उसी को लेकर जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो टोटली एकदम डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं कुछ कुछ फाइनेंसेस जो होते हैं ना, बैंक फाइनेंसेस वगैरह जो देते हैं, उनको लेके जो है बात करने वाला हूँ। क्योंकि मेरा एक लोन जो है वो चल रहा है L&T फाइनेंस का, जो कि बंधन बैंक से जो इसका ECS कटता है। तो लास्ट मंथ मेरा हुआ यूँ कि मेरा जो एक ECS जो है मेरा बाउंस हुआ था, तो बाउंस जब भी कोई चेक अगर बाउंस होता है ना, तो मोर ऑर लेस दो बार जो है उसे प्रेजेंट किया जाता है। बट इस बार ऐसा हुआ कि बंधन बैंक में 17 टाइम्स एक दिन में जो है 17 टाइम्स जो है वो हिट हुआ है। मैं प्रूफ जो है अटैच कर देता हूँ, तो इस पर क्लियरली आपको शो हो रहा है कि 17 टाइम्स जो है वो 3 तारीख को जो है वो हिट हुआ है। बट जब ये बात चीज़ को लेके मैंने L&T में मैंने कॉल किया, तो L&T ने मुझे कहा कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार जो है वो चीज़ को हिट किया है, उसके अलावा उन्होंने उस दिन को हिट किया ही नहीं है। और उन्होंने मुझे क्लियरली जो है मुझे प्रूफ भी भेजा है, जो मैं अभी अटैच कर रहा हूँ, आप लोग एक बार इसे चेक कीजिए। तो गाइस, एज यू कैन सी, प्रूफ में क्लियरली दिया हुआ है कि एक बार ही उन्होंने हिट किया है। बंधन बैंक जो है अपने ऊपर लेना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि मुझे L&T से कहा गया था कि आप जो है एक बार कंसर्न जो है लेटर वहाँ से ले लो, कि उन्होंने जो है एक ही बार हिट किया है, 17 टाइम्स जो है वो L&T ने हिट किया। बट अभी फ़िलहाल वो कंसर्न लेटर दे नहीं लिया, तो मैंने जो है मेल वगैरह मैंने कर दिया है, मेल वगैरह करके एस्कलेशंस का वेट करते हैं, देखते हैं कि एस्कलेशंस जो है क्या रिजल्ट मिले, क्योंकि बंधन बैंक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं चाह रहा है। क्योंकि मैं जब जो है बंधन बैंक के एग्जीक्यूटिव जब मैंने मिला, तो मैंने उनसे कहा भी था, तो उन्होंने मुझे कहा है कि 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक प्रॉब्लम था बंधन बैंक में, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि उनका ये प्रॉब्लम है या उनकी तरफ से ये इशू हुआ है। बट एनी हाउ मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके इसे सॉल्व करने का। और जिन लोगों ने भी लोन वगैरह लिया है, जिनका ECS से कट रहा है, अगर बाउंस हो रहा है, तो आप काइंडली जो है अपने अपने जो बैंक के होस्ट बैंक है उनसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कीजिए, अपने लोन जिससे लिया उनसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्ट जो है वो आपको, क्योंकि 590 × 17 टाइम्स जो है चार्ज मेरे ऊपर लगा है, मतलब आप खुद हिसाब कीजिए, 590 × 17 करो, 10 से 12 हज़ार रुपये जो ऐड हो जा रहा है। तो ये बेवजह का जो है हम अमाउंट क्यों दे बैंक को, ये अल्टीमेटली ऐसा हो रहा है कि बैंक जो है ये मिलके, ये फाइनेंस कंपनी जो भी, ये मिलके जो है हमें जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, जितने बार वो हिट करेंगे उतना चार्ज हमें पे करेगा, तो हम ये पे क्यों करें? तो अल्टीमेटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा है। तो फिलहाल मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, और ये वीडियो को इतना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ताकि फाइनेंस की जो धांधली चल रही है, बैंक्स की जो धांधली चल रही है, सबको पता चल सके। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और भी कुछ ऐड होंगे तो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगा, उसके आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस इज 10 सेक्टर रणबीर।